और उसके बाद उन्हीं वाले आखड़ा नो। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे। आज के नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो चलिए अभी देखिए, अभी हम जा रहे हैं करम पुरुष संध्या मनाने। तो आप लोग वीडियो पर बने हुए रहिएगा। करम पर्व क्या है नहीं है, ये झारखंड का सबसे बड़ा पर्व है, उनमें से आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार है। तो चलिए अभी वीडियो पर आप लोग बने हुए रहिएगा ताकि हम उन लोग को पुरुष संध्या, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में हमारे इलाका में कैसे मनाया जाता है, उसके बारे में दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो पर बने हुए रहिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब और कॉमेंट जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगा। अभी हम यहाँ पर जात्रा टाण में करम पुरुष संध्या समारोह मिलन समारोह में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं स्टार्ट भी हो चुका है। तो चलिए आप लोग वीडियो पर बने हुए रहिएगा, आप लोगों को दिखाते रहते हैं कि कैसे गांव घर में पुरुष संध्या मनाया जाता है। बहुत से गांव के लोग हैं लेकिन जनसंख्या थोड़ा कम है क्योंकि धान रोपा रोपी का समय चल रहा है। तो बहुत कोई आए हैं, बहुत कोई नहीं भी आए हैं। और इधर कौन कौन है, समाज सेवी लोग हैं, आगे फ्रंट में देख सकते हैं जो गाना गा रहा है। देख सकते हैं गांव के एकदम सुंदर सुंदर सभी सभी लड़कियां लोग एकदम तैयार होकर लाल पाड़ साड़ी में आई हुई है। ये झारखंड का प्रमुख त्योहारों में से एक त्योहार है। ये गाना तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा। इस गाना का बोल है कि जैसे कि हमारे जो समाज के लोग हैं एक समाज रहेंगे, और जैसे कि मछली जो रहता है एक साथ जमा होकर रहता है, वैसे ही हम लोग सबको जमा होकर रहेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। इस गाने के माध्यम से लोगों को संदेश दिया जा रहा है। और इधर हैं गांव के छोटे छोटे बच्चे जो अपना ड्रेस में एकदम पूरा वेशभूषा में अपना संस्कृति में अपना संस्कृति को बचाए रखने के लिए एकदम आए हुए हैं। देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे लोग हैं जो मांदर नगेड़ा एकदम ढोल सब कुछ टंगाए हुए हैं। कितना सुंदर लग रहा है। ये छोटा सा बच्चा बड़ा सा मांदर टांग लिया है, पता नहीं बजाता हो कि नहीं, बजाता तो जरूर है। तो देख सकते हैं आप लोग इतना सुंदर, ये लोग भी डांस करेंगे। तो चलिए वीडियो पर देखिए। और इधर बहुत सारे समाज सेवी कार्यकर्ता लोग हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ये बच्चे लोग का भी अच्छा संदेश है कि समाज में अपने संस्कृति को बचाए रखने के लिए कुछ ना कुछ करने का सोच रहे हैं। तो चलिए वीडियो पर बने हुए रहिएगा। ये है उरांव जनजाति। उरांव जनजाति जो है अपने समाज के लिए जैसे कि कुछ ना कुछ करने रहते हैं, इसका अलग। बच्चा बहुत सुंदर गाना गा रहा है, उसके बारे में अभी चलिए आप सभी को दिखाते हैं। चलिए ब्लॉग पर बने हुए रहिएगा। इस गाना से हमें यही समझ आया कि चलो भैया रंथ मेला जाएंगे, आपका घोड़ा तो लंगड़ा हो गया है, कैसे जाएंगे। तो थोड़ा बहुत समझ में आया, अधिक तो नहीं। थोड़ा माइक का प्रॉब्लम हो गया था। आप इधर कोई नृत्य मंडल कोई गाँव का ही नृत्य मंडल है जो इस गाँव में देख सकते हैं, इतना सुंदर। तो चलिए आप लोग डांस का मजा लीजिए, इसके बाद आगे मिलते हैं।
तो दोस्तों अभी हम घर आ चुके हैं। आज था पूर्व संध्या, अब पूर्व संध्या में शाम हो गया। इतना बाजा का आवाज़ आ रहा था ना, जिसके कारण देख वीडियो नहीं बना पाए और अच्छा अच्छा वीडियो नहीं बना पाए। फिर भी जो भी वीडियो है तो चलिए आप लोग देखिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।